नमस्कार, आप देख रहे हैं TSR डिजिटल टीवी। मैं आपके साथ पंकज सिंगटा। इस समय हम लोग हैं सोलन के वार्ड नंबर 15 में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के यहाँ से जो प्रत्याशी है संतोष ठाकुर जी। वार्ड नंबर 15 से ये कांग्रेस के प्रत्याशी है और साथ ही में आज जो है चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और इन्हें जो सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं गंगूराम मुसाफिर जी, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और पूर्व में पच्छाद से विधायक भी रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से आज जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है और वार्ड नंबर 15 के अंदर मुख्य तौर पर क्या मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। भाजपा के जुमलों से सोलन नगर निगम के जो मतदाता हैं वो बहुत परेशान हैं और सारे जुमले ही निकले जितनी घोषणाएं थी, विकास कोई नहीं हुआ, विकास की अनदेखी हुई है। और आज 15 नंबर वार्ड में जहाँ से श्रीमती संतोष ठाकुर जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उस वार्ड में ढेरों समस्याएं हैं। सड़कें नहीं हैं, सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पार्किंग की समस्या है, टॉयलेट्स नहीं हैं, तो ढेरों समस्याएं हैं। और यहाँ 25 साल से भाजपा का जो है पार्षद रहा है और इस वार्ड की बहुत अनदेखी हुई है। अब लोगों में बहुत गुस्सा है और उस गुस्से को वो 7 तारीख को जो मतदान होगा कांग्रेस के प्रत्याशी के हक में वोट डालकर इस गुस्से को इजहार करेंगे और यहाँ से हमारे संतोष ठाकुर जी को विजय बनाएंगे। सर, आप यहाँ पर जैसे चुनाव प्रचार के लिए आए हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं इस वार्ड के? यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है सीवरेज का है और सड़कों का बहुत अभाव है, रास्ते भी नहीं हैं, सीवरेज की बहुत जो है डिमांड है और इसी तरह से पानी की समस्या, बिजली और स्ट्रीट लाइट जो है ना और टॉयलेट्स, ये आम तौर पर लोगों का जो मुख्य मांगे रही है। यदि प्राथमिकता में अगर देखा जाए तो प्राथमिकता से क्या कार्य किए जाएंगे यदि संतोष ठाकुर जी यहाँ से चुनकर आती है आपके माध्यम से? इन घोषणा पत्र है उसमें हमारी प्राथमिकताएं जो हमने दर्शाई हैं उसके मुताबिक ही। सर, खासकर अगर वार्ड की बात की, सड़कें हैं आपके, पार्किंग है और सीवरेज है, सड़कें हैं और पीने का पानी, ये मुख्यतः बिजली वगैरह, पीने का पानी का तो मुफ्त में जो है हमने वायदा किया है मुफ्त में सप्लाई करेंगे। मुफ्त में मुद्दे की अगर हम बात करें तो इस समय लगभग जो हिमाचल सरकार है करीब करीब 62 से 63 हज़ार करोड़ के कर्ज के अंदर है, तो मुफ्त में कैसे उपलब्ध हो पाएगा इसके बारे में थोड़ा? ये सारी रणनीति जो है बाद में जब चुनाव होंगे उसके बाद बनाई जाएगी और हम सुनिश्चित करेंगे हमारे जो वायदे हैं कांग्रेस के वायदे ही नहीं रहते, हम उसको पूरा करते हैं और इनके वायदे जो है वो जुमले ही निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि इस खासकर इस वार्ड की अगर हम बात करें, यहाँ से जो भी पार्षद रहे पूर्व में और इस समय पर भी अगर हम बात करें, तो इस वार्ड के अंदर ऐसी क्या आपको समस्याएं दिखती है जिन्हें नगर परिषद के दौरान उठाया जा सकता था, सॉल्व किया जा सकता था बहुत ही आराम से, लेकिन उसे नहीं किया गया? इस वार्ड में 25 साल से भाजपा का कब्जा रहा है और उन्होंने जुमले ही जो है लोगों को दिए, घोषणाएं बहुत हुई लेकिन मौके पे कोई काम नहीं हुआ और उसी का गुस्से का इजहार आज का मतदाता जो है वो कर रहा है। इस बार अगर हम बात करें चुनाव के अंदर, भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी है, काफ़ी ज़ोर शोर से आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी है और काफ़ी अगर आज़ाद प्रत्याशी भी देखे जाए तो आप किस तरह से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का कितना अहम रोल रहने वाला है? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, यहाँ केवल 2 पार्टी सिस्टम रहा है, या तो कांग्रेस रही है या भाजपा रही है, तो भाजपा लोगों ने देख ली, अब तो कांग्रेस की ही बारी है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे गंगूराम मुसाफिर जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आप देख रहे हैं TSR की सीरीज़ कौन बनेगा मेयर। संतोष ठाकुर जी भी हमारे साथ है, हम इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं वार्ड नंबर 15 के लिए, खासकर हम जो है इनसे बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर हम बात करें आपके वार्ड की, तो आपको क्या लगा जितने अभी आप जैसे प्रचार, चुनाव प्रचार के अंदर यहाँ पर है, तो आपको क्या क्या लगे कि क्या क्या मुख्य समस्याएं वार्ड के अंदर हैं? सर, एक तो अभी हम पटराड़ के एरिए में कूड़े की समस्या है, पानी की भी समस्या है, सबसे मेन मुद्दा है सीवरेज का। सभी को यही गुस्सा है कि बहुत गंदी है, जो प्रशासन है वो अनदेखा ही करे। तो एम्बुलेंस रोड को लेकर, सड़क की एम्बुलेंस रोड को लेकर हम चाहेंगे, कितने आपको समस्या लगी उसके? अब सड़क की बहुत समस्या है। अब जैसे पटराड़ से अगर एम्बुलेंस का सड़क का प्रबंध किया जाए तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि यहाँ रोड बने।
जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से, TSR के माध्यम से क्या आप अपील जनता से करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि भारी मतों से जिताए और मैं पूरी सेवा करूँगी। तो हमारे साथ थे संतोष ठाकुर जी और साथ में गंगूराम मुसाफिर जी, और हमारे साथ नगर परिषद जो पहले थी उसके पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ कोडागेश पंत जी भी है, ये भी कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता है। तो इस समय हम लोग हैं सोलन के वार्ड नंबर 15 में और यहाँ पर चुनाव प्रचार जो है जारी है। कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है, मुख्य मुद्दे जो है इस वार्ड के वो भी उठाए जा रहे हैं। देखते रहे TSR की सीरीज कौन बनेगा मेयर। धन्यवाद। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR Digital TV, opinion to impact.